नमस्कार, हमें देवेंद्र आपको अवगत करा दें। मध्य प्रदेश निवाड़ी चुनाव का सर्वे कर आज हम सादिकपुरा सिंदूर सागर में आ गए। सिंदूर सागर के अंदर बता दें, वहाँ बीच में सरपंच प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी जिनका नाम है सिया शरण राजपूत लोधी जी, आपको अवगत करा। मौके पर मौजूद बैठे हैं सिया शरण जी। ये गाँव ऐसा गाँव है जो काफी सालों से प्रसिद्ध है, और वहाँ बीच में सिया शरण जी जानते हैं इनसे आखिरकार गाँव के अंदर कौन कौन सी समस्याओं को देखते हुए ये चुनावी मैदान में आए, सरपंच के चुनाव में आए। और आपको जो भी बता दें, मात्र कल को उतना रहेगा शेष, और परसों है वोटिंग। तो परसों वोटिंग कितने का गांव में आशीर्वाद ले वो चार हमारे चैनल के माध्यम से का क्या हुआ है। सी एस जी नमस्कार जी। क्या का आपके मूल संकल्प हैं? हमारे मूल संकल्प ये हैं कि हमारे गांव का काफ़ी दिनों से विकास रुका हुआ है जी, तो विकास का वादा करके जनता ने हमें चुना कि आप चुनावी मैदान में उतरिए और हम आपका साथ देंगे, ताज दिल से साथ देंगे। तो जनता हमारे साथ भी है, और लगभग प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से चल रहा है हमारा। तो सभी जनता की मांग है कि विकास का वादा हमने भी उनसे किया है कि हम विकास करेंगे, जितनी ताकत हो है हमारे अंदर क्षमता उतना विकास करेंगे। विकास के वादे नंबर एक पॉइंट, ना तो इसमें गांव में ग्राम पंचायत है, ना गौशाला है, ना यहाँ के लोगों को आवास दिए गए उतने, ना सड़क है, ना स्कूल है। एक स्कूल बना है बहुत पुराना जो कि खंडर टाइप का हो गया है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं है। ये काफ़ी समस्याएं जो ग्राम पंचायत में अभी हैं वो इस ग्राम पंचायत में नहीं हैं। तो उन सभी की खाना पूर्ति के लिए हमें जनता ने चुनावी मैदान में उतारा कि आप चुनाव लड़ें, हम आपका तहे दिल से साथ देंगे। तो जनता हमारे साथ है। सी एस रण जी, जो बताओ कितने महीना से घूम रहे, चप्पल घिस गई हुई है पूरे गांव में आशीर्वाद मांगत मांगत। अब इसके लिए तो ये समझ लो कि चप्पल तो घुस ही जात के कल चुनाव मैदान है, और फिर ये समझ लो रात दिन चुनाव में मेहनत करना पड़ती है, तभी एक होता है। सही बात। जनता को कैसे मोड़ा जाए, कई प्रकार के मोड़ आते हैं, कई प्रकार की बाधाएँ आती हैं, तो इन सबको झेलती हुई जनता हमारे साथ है। कोई कुछ कहता है, उन्हें कह दे कि बच्चा वो ऐसी कह रहा हो, तो फिर दूसरे ने कह दे वो ऐसी कह रहा हो, तो भाभी सुनने के कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो इसी तरह का बढ़िया शांतिपूर्ण हमारा चुनाव प्रचार चल रहा है, अच्छी तेज़ी से है, और जनता भी हमारा साथ दे रही है। जनता का भी ये है कि आप हिम्मत नहीं हारें, हम आपके साथ हैं। तो आज अच्छा जो बता दो चुनाव चिन्ह का है, जनता को आशीर्वाद ले लो। चुनाव चिन्ह है सब्जी की टोकरी डलिया, जो कि जनता ने कह दी कि बाप बिल्कुल भर के जय है, भर के जय, बिल्कुल भर के जय है, और भर गई बा, भर गई। क्या जनता का ऐसा आशीर्वाद है, और मेहनत हमारी निरंतर चल रही, निरंतर चल रही। सभी हमारे कार्यकर्ता बड़ी जोर जोर से मेहनत कर रहे हैं, सभी का स्नेह है, आशीर्वाद है। जनता भी बड़ी लगाव है जनता से हमें, जनता भी हमें चाह रही। तो ये सब बातें भिन्न रखते हुए, उसी जो हमारी चुनाव की घोषणा, हमने चुनाव की कोई घोषणा नहीं की ना, हम करते हैं। अच्छा। हमारा तो एक ही संकल्प है, जो सामने आए वो काम हमें कर दिखाना है धरातल पर जी। जैसे कि अब सारी बातें तो हमारे यहाँ देख लें, अब सड़क भी है, तो आप और भी पंचायतों में चल के देख लें, तो ऐसी स्थिति ना हो जो हमारे गांव की है। अब इसका एक ही काम है, माने मुद्दा रहो कि ना तो इतने को सरपंच बन पाओ कहूँ, ना हो पाओ, ना विकास हो पाओ, ना विकास हो पाओ, इसे विकास रुको है। दूसरे गांव को सरपंच बनाते रहो तो वो अपने गांव को विकास करोगे नहीं, तो बचो तो दे दो, वैसे प्रसाद बचो तो तुम्हें बांट तो नहीं, बचो हम अपने तक आज में हम खुआ दे जब तो तुम्हें दे। सही बात है। तो हमारा जो सब है, और हमारा जो है कि दो पंचायतन को चुनाव लड़ रहे हैं हम, जो जीते के ते हैं सो उते के उते रहे हैं वो। अच्छा। कहा कि हमें दो हाँ, दोनों माने गाँव के आदमी चाह रहे हैं। सही बात। कि आप चुनाव मैदान में संघर्ष करें, हम आपका साथ देंगे। चलो बच्चा ले चला सिया शरण राजपूत जी के कुछ चंद तक बैठे हैं, बीच में इनसे जाना था का क्या हुआ है। बच्चा बताओ सिया शरण जी कैसे हैं? बढ़िया। पंचायत में जो नए वो हैं सिया शरण राजपूत, बढ़िया, उनका फेवर कर रहा है हमारे गांव के आदमी सब लोग, ता दिल से, तहे दिल से। आपको कितने का आशीर्वाद है? पूर्णतः आशीर्वाद है हमारा, पूर्णतः आशीर्वाद। अच्छा, राम राम। मज्जा राम राम। बताओ का क्या हुआ सिया शरण के बारे में? बच्चा बड़े भाई हैं, वो बढ़िया, इनका व्यवहार है गाँव में, वो सब लगनशील है, वो अपने काम करता बढ़िया है, सब कुछ आनंद मंगल है, आनंद मंगल, सब जनता तो साथ में है। दो गांव में विकास करा नहीं, कागज जीत गए तो पूर्ण विकास होगा दोनों गांव में, दोनों गांव बराबर होगा। आपको क्या क्या बच्चे बताओ सी के शरण के बारे में? नहीं, अच्छा प्रयास किया, अच्छे संबंध है, इसलिए तहे दिल से पूरा गाँव साथ में है। साथ में का क्या बोले गाँव के बारे में?
गांव के बारे में जो है कि आज ही को प्रचार प्रसार है, कल गुप्त प्रचार है, तो सब लोग से जाइए कि भैया हमें सबसे हाथ जोड़ के राम राम है। आज चुनाव को आखिरी दिन है और रोटी बाद में खाने, पहला डलिया पे मोहर लगाने, अगर गांव को विकास चाहने दो ही पंचायतन के आदमियों से कह वो है वो सिंदूर सागर और सादकपुरा की विकास दोनों ग्राम पंचायतों में बराबर होगा। हमें वैसो सरपंच जी नहीं चाहने के हम चाहें कि अपने दुआभाती करें के तुम अपने गांव में कर रहे हो, हमारे तो नहीं कर रहे। हाँ। गांव दो ही गांव में विकास हो जाए तो दो ही गांव में जो कार्य होगा वो दोनों गांव में होगा और उस कार्य को मनरेगा के तहत किया जाएगा। क्या बात, सही। जिससे कि हमारे गांव के मजदूर हैं उनको रोजगार मिले, बेबिचारे बाहर पलायन कर रहे हैं बाहर ना जाए। जनता जो सब कछु चाहते तो उन्होंने यही सोचो कि भाई आप ई मैदान में संघर्ष आप करो और हम आपको साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद सिया शरण राजपूत जी को, जिनकी इतनी अच्छी सोच है कि गांव के लोग प्लान करके बाहर भाग जाते, क्योंकि लोग बाग सरपंच बन जाते तो जेसीबी से चलवाने काम होने तो लोग बाग को मजदूरी कम मिले, हमारे कछु नहीं मिलने तो मनरेगा के थ्रू जो विकास आए तो दो ही गाँव के मजदूर उनको काम लगा, जिससे कि लोग प्लान करके बाहर ना जाए, मजदूरी इतना ही मिले और उनको भला हुए। अब देखने वाली बात है कि दो ही गाँव के लोग परो है वोटिंग 25 तारीख को, अब कैसे इनकी डलिया भरवे को काम करें, कैसे इन्हें वोट दे, जनता जाना जाने, जनता को आशीर्वाद कृपा कैसे इन पर बरस रहा। कैमरामैन आशीष के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता देव न्यूज झांसी।